चलो गुड मॉर्निंग क्लास। अब आज आपका है चैप्टर टू यानी वसंत भाग एक का चैप्टर टू बचपन। तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है। जो प्रॉब्लम हुई है कि जैसे आप लोग नहीं देख पाएंगे तो आपको मैं अगले वीडियो में दे दूँगी, जिससे आप अगर कभी उस चैप्टर को सुनना चाहें तो आपको चैप्टर मिले, ठीक है। अब आज हम क्या करेंगे, उसकी एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी चैप्टर को जब हम रीड करते हैं तो सबसे पहला हमारा होता है कि लेखक या लेखिका। तो हमारे चैप्टर की क्या है, लेखिका है। तो आज हम लिखेंगे लेखिका का परिचय। आपका पहला पॉइंट यही होगा। ये क्या हो गया, लेखिका परिचय। सब लोग याद ही डालिए, वहाँ मत करो, अच्छी ड्राइंग है फिर बेकार हो जाएगी। हाँ आप कर सकते हो क्योंकि आपने पूरा ये किया है। साइड का आप भी डेकोरेट कर लेना, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी चैप्टर अगर कंप्लीट करते हैं या स्टार्ट करते हो, अगर पोएम है तो उसे और अच्छे से डेकोरेट कर लीजिए अपनी कॉपी में, तो वो पोएम और आपकी वो कॉपी दोनों ही काफ़ी अच्छी लगती है आपको, फिर देखने में पढ़ने में वो अच्छी लगेगी, ठीक है। नीड एंड क्लीन, ठीक। अब चलिए लिखिए आपकी लेखिका का परिचय। मैं राइट डाउन कर रही हूँ क्योंकि इसमें सन भी दिए गए हैं तो आप लोग कहीं से वो गलत ना हो, ठीक। चलिए हेडिंग बच्चों आपको ब्लैक से डालनी है और अब आप ब्लू से लिखना चालू करेंगे और सबकी कॉपी फेयर में होनी चाहिए, कोई रफली नहीं करेगा इसे, ओके। आपकी लेखिका है आपके इस चैप्टर से, ठीक। अब मैं इंग्लिश में कर दे रही हूँ क्योंकि अगर हिंदी में सन लिखोगे तो शायद वो गलत हो जाए, तो आपको समझेगा वही क्लियर, ठीक है। कृष्णा सोबती, यहाँ पे आप डाल लीजिएगा का, ठीक है, का 18 फरवरी गुजरात में 1925 में जन्म हुआ। ये लिखना स्टार्ट कर दिया सर ने, यस मैम, क्योंकि इसमें थोड़ा मैं चेंजेस कर रही हूँ। पेंसिल से लिखा है या पेंसिल? पेंसिल। तो ठीक है, पहली बार हम लोग क्लियर कर ले रहे हैं। आप इसे कैसे लिखेंगे, लिखना ऐसे ही है, ठीक है। कृष्णा सोबती का 18 फरवरी गुजरात में 1925 में जन्म हुआ। अभी पहली लाइन लिख दी है, अगली लाइन क्लियर हो जाएगी। हुआ, ठीक है, हुआ। इनकी मृत्यु रिसेंट में ही हुई है।
दिखाई दे रहे हैं ना? यस मैम। 1890 90 में साहित्य1890 तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था। मैम उनका जन्म 1925 1925 में जन्म हुआ था तो सही है। करेक्ट। yes, 2019 में अभी रिसेंट में उनकी डेथ हुई है। yes, मैम 1890 में उनका जन्म ही नहीं हुआ था। 19 ये 19 है अब सही है, बाकी सही है। एक्चुअली मैंने इसमें वो हिंदी वाले जो हम सन लिखते हैं तो हम हिंदी का इस्तेमाल करते हैं ना, मैंने हिंदी वाला लिखा है, वो ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया। अब क्लियर है? यस यस मैम। साहित्य के लिए हमारे एक बार इसको सुन लेते हैं। ठीक, पहला हमारा लेखिका का परिचय। कृष्णा सोबती का 18 फरवरी गुजरात में 1925 में जन्म हुआ। वह इनकी मृत्यु 25 फरवरी 2019 में हुई। वे लेखिका थी और भारतीय थी, क्योंकि गुजरात का बॉर्डर हमें अक्सर हम पाकिस्तान के यहाँ से जोड़ते हैं, इसलिए मैंने वहाँ मेंशन कर दिया कि वो भारतीय भी थी। उन्हें 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा 1996 में साहित्य के लिए सम्मानित भी या साहित्य के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब ये आपका हो गया लेखिका का परिचय। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? करेक्ट। आप लोग अपना लिखिए, फिर मैं नीचे यहाँ लिख रही हूँ शब्द। मैं यहाँ लिख रही हूँ लेकिन आपको इस लाइन में नहीं उतारना है, आप तो एक लाइन छोड़ के करेंगे। हाँ, पेज एक पहला है बच्चों आपका सयाना। सयाना का मतलब होता है होशियार। ठीक है, अगला हो गया प्रिल। ये प्रॉपर लिखिएगा, किसी की भी मात्रा या कोई भी मिस्टेक ना हो। ठीक है, आप देख के कर रहे हो। प्रिल, प्रिल का अर्थ होता है झालर। फ्रॉक वगैरह में लगी होती है झालर डिजाइन के लिए, छोटे बच्चे देखो पहनते हैं तो वो उसी को हम फ्रिल कहते हैं। फिर है बच्चों आपका शताब्दी। शताब्दी यानी कि 100 साल का समय। 100 साल का समय। ठीक है, फिर आता है कैस्टर। दिखाई दे रहे हैं बच्चों यहाँ से? यस मैम। कैस्टर ऑयल। इसी को हम कहते हैं अरंडी का तेल। अरंडी का तेल ये हो गया। इसके बाद आता है यहाँ पे, देखिए अभी या लाइन से लिखेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। फिर आता है नीरा। ये
केला का अर्थ होता है केला। फिर है कमतर, कमतर यानी कम अच्छा। खीजना, खीजना का अर्थ होता है क्रुद्ध होना या क्रोधित होना। ठीक है, ये होना है, क्लियर दिख रहा है होना? यस मैम। प्रॉपर है? यस। ठीक है, फिर सूझते, सुविधा का अर्थ होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक जनक। ये हो गया बच्चों। अब इसमें मुझे ये बताइए कि आपका ऊपर वाली जो लाइन है ये सबकी क्लियर हो गई? यस मैम। उसे रफ कर सकते हैं? यस मैम। तो मैं सबका पूरा हो गया है ना वो पहली लाइन? अब पहली लाइन में क्लियर हो गया है कि ये क्या लिखा है। लेखिका का परिचय है जिसमें हमने उनके जन्म के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, वो लेखिका थी और वो कहाँ की थी वो भी हमने जान लिया है कि वो भारतीय थी। उसके बाद उन्हें कौन से साहित्य पुरस्कार अकादमी में कब मिले थे सन वाइज हमारे पास वो भी है। तो यानी कि लेखिका का जो हमारे लिए ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास यहाँ पर है। सब ने अच्छे से नोट डाउन कर लिया है? ये याद तो होना चाहिए मुझे। हम इसके नोट्स आप देख रहे हो कि काफी छोटे हैं, करेक्ट? नोट्स काफी छोटे हैं। क्लियर याद करना है जिसका समय है। सर बैग नहीं मिटाया बेटा। खींचना यानी क्रुद्ध होना। आप वहाँ पे अगर कॉमा डाल के चिढ़ना भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। चिढ़ना लिख दे, चिढ़ना कर देते हैं। ये भी कर देना, वो भी कर देना। चिढ़ना जैसे नहीं होता है छोटे बच्चों का, जब थोड़ा तंग करते हैं वो कैसे चिढ़ने लगते हैं, मत कर रहे तभी जा रहे मम्मी को बोल देंगे, होता है ना? हाँ, तुरंत चिढ़ने लगता है। ये वाला हो गया था ना, मैंने कंफर्म किया था तभी मिटाया। सबका हो गया था वो? शब्दार्थ को मिटाया। ठीक है, अब हमारा है क्वेश्चन आंसर। ठीक, अब क्वेश्चन में है पहला क्वेश्चन यानी कि पहला प्रश्न है। वहाँ एक लाइन के बीचों बीच लिखो प्रश्न उत्तर। आप प्रश्न उत्तर जब लिखने जाते हो तो वहाँ आपको ऐसे लिखना है प्रश्न उत्तर, यानी इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों है। ये आपको बीच की लाइन करना है, यहाँ एक लाइन छोड़ के बीच में लिखेंगे प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो ये चीजें जब इस तरीके से कैसा हाँ ये भी बनता है, लेकिन बेटर तरीका बेटा ये सही है। ये देखो आपको ऐसे करना है, फोर लिखा फोर के यहाँ से काट दिया, हो गया प्रो। वैसे लेकिन वो गलत हो जाएगा, देखने के हिसाब से वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आपका पहला प्रश्न है इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही है। तो ये प्रश्न हमारे यहाँ से दिए हुए हैं, शॉर्ट वाइज मैंने किया है, तो प्रश्न मैं लिख दूँ? यस यस मैम, क्योंकि प्रश्न लिखा होगा तो आप प्रॉपरली इसको बुक्स में शायद नहीं है, देख लो किताबें ओपन करो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आंसर हमें बहुत लेंदी नहीं करना है। चैप्टर हमने एक बार रिवाइज कर लिया है, शब्दार्थ करना है, उसके बाद हमें क्या कर लेना है क्वेश्चन आंसर देख लेना है।
कमतर यानी कम अच्छा। कमतर जैसे बोलते हैं ज़्यादातर बोलते हैं यानी कि बहुत अधिक, और कमतर यानी कि कम अच्छा, मतलब पसंद तो नहीं है लेकिन अब ना भी नहीं कर सकते और हाँ भी नहीं कर सकते, तो ठीक है अच्छा है। पूछा जाता है अभी कपड़े किसी ने पहने हैं, पूछा कि कैसा लग रहा है, अच्छा है ना मेरे ऊपर, तो जिसको नहीं पसंद था हाँ हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा है, बट उसे आपने आका कैसा है, कुछ भी पहनते हैं चलो, मैंने तो क्या मैंने तो बोल दिया ये क्या वो आपको पसंद नहीं था बस, ठीक है ओके हो गया। अब प्रश्न हम लिख दे रहे हैं, देख के आप कीजिए तो आपके से गलत नहीं होगा। इस संस्करण में लेखिका किसकी चर्चा कर रहे हैं, इसकी दिखाई दे रहा है ना मैम, आप हिंदी में मैम जैसे एक लिखती है ना मैम वन इसकी मैम एकदम लगे नाइन पूरा इसकी चर्चा मुझे छुट्टी से कर रही है एकदम मुझे प्यार है कर रही बातें नहीं उसे लिख डालिए। इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही हैं, ठीक। अब आपका आंसर है, पहले हम पूरा यही निकाल लेंगे लिख लेंगे, इस संस्मरण में इतना आपका सेम लाइन वो हो जाएगा। अब इसमें लिखना है कि लेखिका लेखिका ये आपको पूरा उतार लेगा, ठीक है इस तरीके से ये आपको होंगे उत्तर कि इस संस्मरण में लेखिका लेखिका बचपन यानी अपने बचपन की चर्चा कर रही है, की चर्चा कर रहे हैं सबको, क्लियर से दिखाई दे रहा है शब्द, क्योंकि थोड़ा ऊपर है तो लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, सबको क्लियर है कोई डाउट। तो प्रश्न हमारा था बच्चों कि इस संस्मरण में लेखिका किसकी चर्चा कर रही है, अपने बचपन, तो इस संस्मरण में लेखिका अपने बचपन की चर्चा कर रही है। कभी भी अगर ऐसे एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं, मान लो कि मैंने ये प्रश्न पूछा तो आप खाली बचपन लिखोगे तो उसको मैं सही से नहीं मानूंगी उसका आंसर को, आपका तरीका यही होना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट करोगे, इससे शॉर्ट तो नहीं कर सकते, तो वो एक लाइन को आपको ऐसे ढंग से लिखेंगे तो ये आंसर को फिर मैं सही मानूंगी। बच्चों नीचे का रफ कर दें, शब्द तो नहीं हुआ, हाँ यहाँ आंसर था, यस थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यानी कि प्रश्न नंबर आपका दो, ठीक। प्रश्न नंबर दूसरा पूछता है कि लेखिका का जन्म किस सदी में हुआ था, लेखिका का जन्म पिछली सदी में हुआ था, किस सदी में, किस सदी में हुआ था, ये शब्दार्थ हुआ कि नहीं बच्चों, अभी नहीं थोड़ी राइटिंग फास्ट कीजिए, इतना स्लो लिखोगे तो कैसे करोगे पेपर में। अब इसमें है कि लेखिका का जन्म जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेखिका का जन्म लेखिका का जन्म 20वीं सदी में हुआ था, बीसवीं सदी है, बीसवीं सदी में हुआ था, हुआ था, पूर्ण ठीक है। क्वेश्चन आंसर इजी वे जा रहे हैं,
टफ लग रहा है क्या? ठीक है, अब बच्चों ये क्लियर करें क्योंकि आगे से क्वेश्चन नहीं है। हो गया, ये वाला रहने दे रहे, ये वाला कर दे रहे, ठीक हो गया उसका शब्द। आप बहुत स्लो लिख रहे हैं, राइटिंग बच्चों थोड़ी फास्ट रखो क्योंकि वो चीज़ आप कैसे लिखोगे। अब है प्रश्न नंबर 3 कि लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी? एक दिन। संडे को। मैं हम लोग को तो पढ़ दे। लेकिन देखो लेखिका को, इतनी बड़ी लेखिका है फिर भी उनके बचपन कैसे थे। लेखिका को ये प्रश्न लिख लेंगे आप लोग, लिखने की कोशिश कीजिए कि लेखिका को सप्ताह में, लेखिका को सप्ताह में कितनी बार चॉकलेट खाने की छूट थी। उत्तर बच्चों ये होता है कि लेखिका को सप्ताह में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। लेखिका को सप्ताह में, लेखिका को सप्ताह में, सप्ताह में एक बार चॉकलेट। अब ये रद्द कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रश्न नंबर है 4, हर शनिवार को लेखिका को क्या पीना पड़ता था? हर शनिवार तो ऑलिव, ऑलिव ऑयल, ठीक है।
अब आता है प्रश्न आपका पांचवा, ठीक। प्रश्न पांच आपका है, दुकान में किस ट्रेन का मॉडल था? क्वेश्चन है, आंसर इसी के आगे कर देना, ठीक है, वो आपको ये इजी रहेंगे। अब तो मैं इसे उत्तर कर दे रही हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन है, उठी गई उसी का आंसर है, ठीक है, उसमें डाउट नहीं करना। हाँ, दुकान में शिमला, दुकान में शिमला, शिमला कालका ट्रेन का, कालका ट्रेन का मॉडल, हाँ करेक्ट। Yes, आप प्रश्न में संस्मरण से, आपकी किताब में दिया हुआ है संस्मरण से, उसमें है प्रश्न है कि बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती, इसका ये प्रश्न है वो आपकी किताब में है जिसका हमें उत्तर बता रहे हैं। तो पहले आप ये लिख लीजिए, प्रश्न बताऊंगी, ये वाला प्रश्न आपके पूछा नहीं है, इसके मैंने आपको लिख दिया। ऊपर क्या हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. उत्कर्ष, ऊपर क्या हुआ आपका? उत्कर्ष अमृत, भूल जा रहे हटा देना ये कहाँ तक मिल गया है, फर्स्ट सेकंड करते सभी बताओ। यस मैम, अभी वही तो पूछ रहे, इतना स्लो बताते तब तक मिटा दिया। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हैं मैम? प्रश्न वन है ना मैम, मुझे बुक दो तो हम बताते हैं। मैम ये संस्मरण जो आपको दिया है इसमें किताब में देखिए, लास्ट संस्मरण में आपका सेकंड वाला पैराग्राफ, उसमें पहला प्रश्न है कि लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थीं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करते हैं, उनके नाम लिखो। हमारा बच्चों जो प्रश्न है वो संस्मरण से है, ये संस्मरण से आगे का है। पहला क्वेश्चन ही आप अपना देखिए, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करते थे, ये प्रश्न आपकी किताब में है तो आप उसको लिख लेंगे, उसका उत्तर मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। तो संस्मरण से पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? वो प्रश्न आप लोग किताब से नोट कर लीजिए, तब तक हम आंसर लिख रहे हैं, किताब ओपन कर रहे सब लोग अपने पास, ठीक है। सेकेंड वाला रफ करें, सेकेंड वाली लाइन। यस मैम। अमित आपको हाथ थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा, इतने स्लो हाथ में वो क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, वो भी एक एक लाइन का क्वेश्चन आपको इतना समय मुश्किल लग रहा है। आप संस्मरण से ये आप लोग डाल दीजिएगा, जिससे आपको ये क्लियर रहे कि आप कहाँ से कौन से प्रश्न का उत्तर कर रहे हैं। संस्मरण से पढ़ा लिखा है, ठीक है, ये इसलिए डाल रहा है कि आपको याद रहे, अगर नहीं डाला है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर डाल देते हैं तो आपको वो बहुत ज्यादा जगह है। प्रश्न लिख
अब प्रश्न का आपके उत्तर है, प्रश्न एक का उत्तर, ठीक है। अब उत्तर में है आपका कि बचपन में इतवार की सुबह, बचपन में इतवार की सुबह, इतवार की सुबह सुबह, ठीक है। प्रश्न लिख लिया है ना सभी ने, आपकी किताब में दिया हुआ है। सुबह अपने मोजे धोते थे, अपने अपने मोजे धोती थी, धोती थी, उसके बाद फिर जूतों पर पॉलिश करके, जूतों पर पॉलिश करके, पॉलिश करके पॉलिश करके उसे कपड़े रगड़ कर चमकाते, और आप यहाँ उसे मिला लेंगे और कपड़े रगड़ कर चमकाते हैं। कपड़े रगड़ कर, हाँ रगड़ कर चमकाते, चमकाती क्योंकि चीजें घट चुकी है ना। प्रश्न आपका यही है कि लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करते थे। तो प्रश्न आपको किताब में है, उसका उत्तर है कि बचपन में इतवार की सुबह